Good morning. It is not exactly a very good morning. Rishi Kapoor sahab, वो भी गए आज. हैरानी की बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो I replied to a message interaction that I was having with Farah Khan and I just in those में सुबह reply में मैंने उसको ये भी लिखा कि apparently मेरे भाई हैं संजय चितले न्यू जर्सी में रहते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि जी हॉस्पिटलाइज हैं अपेरेंटली नॉट गुड. सो मैंने फरा से ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ऋषि जी अपेरेंटली इज नॉट वेल एंड फरा कहती आया ही इज नॉट बीन वेल एंड हिज डॉटर इज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली बाय रोड एंड देन सडनली शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कैन यू इमेजिन यू आर आस्किंग अबाउट हिम एंड ही हैज जस्ट पास्ड अवे. और जैसे आप लोगों को पता ही, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट आई बीन रीडिंग खुल्लम खुल्ला हिज ऑटोबायोग्राफी over here in Dubai. I was lucky to have spent some good time with him. He had the special love for me. हम मिलते थे, बहुत हंसते थे हम लोग. वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम मुझे खूब हंसाते हो. The last time I met him was last year in New York. हम लोग close to my birthday, हम लोग वहाँ पे थे, मेरे भाई सुनील वासवानी जी उनकी family के साथ में. I have had the pleasure and honor to sing for him and his son both. वो मुझे कहते थे ऐसा कोई है क्या जिसके लिए तुमने गाया, तुमने उसके उसके लिए भी गाया, उसके बेटे के लिए भी गाया हो. उनको मैंने बाद में बताया कि मैंने आपके लिए और आपके बेटे के लिए तो गाया ही है, मैंने अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, मैंने जितेंद्र जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, और शायद धर्मेंद्र जी और उनके दोनों बेटों के लिए भी गाया है. Yes, of course, I've sung for them. God bless his soul. He was a very bright and, you know, बहुत energetic आदमी थे वो. I have always been his fan. And चलो आज एक और obituary. God bless him. And he will be remembered forever. Rest in peace. Only happen on the streets of New York. We are in a yellow cab on the 51st East Street and 3rd Avenue, and just check out who is with me in the cab. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. देखा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर ना क्या ना हो रहा कि नहीं हो रहा. एक और सदमा बॉलीवुड के लिए. लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे. बॉलीवुड के लिए, सिनेमा जगत के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा. ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर, लेजेंडरी ऋषि कपूर. अभी हम इरफान खान साहब के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे. यकीन नहीं हो रहा अभी भी इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है. ऋषि कपूर साहब का सदमा, बॉलीवुड को किसी की नजर लगे, कैसा मनहूस समय चल रहा है, कैसा मनहूस समय चल रहा है. एक के बाद एक ऐसे सदमे कैसे बर्दाश्त करेंगे हम इंसान हैं, फैन हैं उनके. ऋषि कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तो सबके सबके आइडल हैं वो. बचपन से उन्होंने करियर शुरू किया था मेरे नाम जोकर में, बच्चों के चाहते हो गए थे बॉबी में, युवाओं के, यूथ के, टीनेजर्स के, उसके बाद मैच्योर लोगों के बहुत सारी 70s और 80s की फिल्मों में. और Only happen on the streets of New York. We are in a yellow cab on the 51st East Street and 3rd Avenue, and just check out who is with me in the cab. Hello, hello, hello. हेलो 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 हेलो. देखा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर ना क्या ना हो रहा कि नहीं हो रहा.